मध्य प्रदेश में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल में जहां बीते 15 दिनों में 2 मासूम बच्चों की जान आवारा कुत्तों ने ले ली, तो वहीं ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 455 से ज्यादा कुत्तों को लोगों ने अपना शिकार बनाया है। यहां हर दिन कई लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल में ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथों में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वहीं सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दें? पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है ना अधिकारी कर्मचारी है, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड का दौर और रहेगा। इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। 25 जनवरी से उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहे हैं। 27 जनवरी से इसका असर प्रदेश में भी दिखेगा। इससे रात के टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। भिंड में मंगलवार की शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवास सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया। यहां शहर के कुछ युवा समाजसेवी एक बीमार बालिका के इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे। वे हाथों में तख्ती लिए हुए थे और सभा के दौरान इलाज कराए जाने की मांग को लेकर खड़े हो गए। इन समाजसेवियों को देख मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने समाजसेवियों को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और उन्होंने समाजसेवियों से धक्का मुक्की कर दी और पोस्टर व तख्तियां छीनकर भगा दिया। उमरिया जिले के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का स्वीप गतिविधियों के लिए मतदाता दिवस पर भोपाल में सम्मान किया जाएगा। कलेक्टर जिले में लगातार स्वीप गतिविधियों को लेकर कार्य कर रहे थे।